The Maya International School aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden. नमस्कार, मैं स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। रीवा के खुटेही इलाके में संचालित रॉयल स्पा सेंटर पर बुधवार रात पुलिस की रेड पड़ी, जहां पुलिस को आपत्तिजनक सामग्री सहित तो चार महिलाएं और एक पुरुष भी मौके पर मिले, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। बताया गया है कि शहर के खुटेही इलाके में यह स्पा सेंटर लंबे समय से संचालित था। आरोप है कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार किया जा रहा था, इसके संबंध में पुलिस के द्वारा पूछताछ भी की जा रही है। सीएसपी रितु उपाध्याय ने बताया कि स्पा सेंटर में मिली चारों महिलाएं दूसरे शहरों की रहने वाली हैं। अभी तक किस आधार पर शहर में यह स्पा सेंटर संचालित किया जा रहा था, उसके संबंध में छानबीन की जा रही है। पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामान भी मिले हैं। मामले में 5 लोगों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 13 दिन पहले ही पुलिस ने शहर के सिरमौर चौराहे पर बने तानसेन कॉम्प्लेक्स में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। पुलिस ने मुखबिर से सूचना मिलने के बाद अड्डे पर दबिश दी थी, जहां डीएसपी प्रतिभा शर्मा के नेतृत्व में अमहिया थाना पुलिस ने रेड की कार्यवाही करते हुए 3 लड़कियों और 3 लड़कों समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई की जा रही है। जो भी कुछ टंडन बिल्डिंग में हमाम स्पा सेंटर में अवैधानिक गतिविधियों की सूचना जरिए मुखबिर मिली हुई थी। उस संबंध में चेकिंग करने के लिए हमाम स्पा सेंटर आए, जहाँ कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं और 4 महिलाएं जो बाहर की हैं निवासी और एक पुरुष यहाँ मिले हुए हैं, और अभी जो है कार्रवाई जारी है। जो भी आगे की कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। किसके नाम पे संचालित है हम इस पर कौन संचालित है? अभी उसके जो दस्तावेज है सब उसमें अभी मांगे गए हैं कि वो किन दस्तावेजों पर यहाँ काम कर रहे हैं। जो सूचना थी उसकी तस्दीक की जा रही है। संचालक का नाम क्या है? अभी जानकारी ली जा रही है, दस्तावेज मांगे हैं। जो भी जानकारी प्राप्त होगी उससे आपको सूचित करेंगे। क्या कोई फॉरेनर्स महिलाएं भी हैं कि बस रीवा लोकल, मतलब इंडियंस हैं सर? नहीं, भारतीय महिलाएं हैं, पर रीवा से बाहर की महिलाएं हैं। और अभी उसमें और भी जानकारी तस्दीक की जा रही है। तस्दीक के उपरांत जो भी जानकारी मिलेगी आपसे साझा की जाएगी। कितने समय से संचालित हो रहा था ये? उस संबंध में जानकारी ली जा रही है। द माया इंटरनेशनल स्कूल aims to bring holistic learning as per new education policy, focus on practical-oriented syllabus and centric skill development in the classroom environment. New campus at Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden.